जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जय श्री राम जय हनुमान करना सांप्रदायिक होता है क्या? ये सांप्रदायिक नहीं है, ये कुछ नेता लोग इसको बना देते हैं। अगर सांप्रदायिक है तो ये गाना चलेगी और जम के चलेगी या खूब चलेगी और खूब इस पर थिरकेंगे हमारे नौजवान। या हिंदुओं की भारत माता की आरती जब आम बागान में होगी तो क्या खतरा मस्जिद को रहेगा या किसी कौम को रहेगा? हम तो किसी को वहाँ उजाड़ने भगाने नहीं जा रहे हैं। संवेदनशील इलाका है तो हम लोग क्या वहाँ दंगा करने जा रहे हैं क्या? हम नववर्ष नहीं मना सकते क्या? अरे लगता है कि रास्ते में कोई बाघ बैठा है क्या कि हमारी यात्रा को खा जाएगा? भाई साहब नववर्ष यात्रा हम मना रहे हैं, इसमें कहाँ से किसी कौम की बात आ गई? हाँ हिंदू नववर्ष यात्रा, इसमें हिंदू शामिल होंगे। हिंदू नववर्ष यात्रा में किसी कौम को शामिल होने की इजाजत हम नहीं देते हैं। इसमें जो हिंदुओं को विरोधी हैं जो कहते हैं कि हंस के लिए पाकिस्तान लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, वैसे लोगों की हमारे यात्रा में जरूरत नहीं है। मैं उनको आमंत्रण देता हूं क्रांतिकारी वीरों को कि अपनी अपनी मोटरसाइकिल का सर्विसिंग करा ले। मुझे आंखें तरस रही है वो दृश्य जो देखने को मिलता था। प्रशासन के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि सुरक्षा देना आपका काम है, अनुशासन बना के चलना मेरा काम है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। बात हिंदू नववर्ष के लेकर, इस बार 21 मार्च को पूरे शहर में हिंदू नववर्ष को लेकर हिंदू मार्च निकलेगा, और आपको पता ही है कि बड़ी संख्या में इस बार कई तरह के मार्च और कई जगहों से निकल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी डिमना से लेकर आम बागान, और उसके एक तरीके से संरक्षक संचालक राम बाबू तिवारी हमारे साथ हैं, पूछेंगे कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले सबसे पहला मेरा सवाल है कि हिंदू नववर्ष को लेकर जो 3 साल से आप लोगों ने शुरुआत किया है, आखिर हिंदू नववर्ष पर ये मार्च की ज़रूरत क्यों है? इतनी बड़ी जुलूस निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत, ये हमारा नववर्ष है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग अपने नववर्ष यात्रा मनाते हैं। आज हम सब हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू, क्योंकि हमारी संस्कृति पर जितना कुठाराघात होता है, आज चाहिए सनातनियों को हिंदुओं को कि अपनी संस्कृति की रक्षा और बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इसी को देखते हुए हिंदू नववर्ष यात्रा का नाम दिया गया, और मानगो से आम बागान, डिमना से आम बागान, यानी मानगो डिमना का नाम हम लोगों ने अयोध्या रखा और आम बागान का नाम हम लोग सुभाष चंद्र बोस मैदान रखा। और ये 2-3 वर्षों से नहीं, वर्षों से निकलती आ रही है। बहुत छोटे स्तर से मृत्युंजय जी उसके संरक्षक के उनके नेतृत्व में शुरुआत हुआ, आज ये बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। और आप देखे होंगे पिछले वर्ष भी या 2019 में भी 18 में भी कि लोग उम्र पड़े थे, लोग उम्र पड़ते भी हैं, लोग उमड़ेंगे भी। तो इसको देखते हुए हम लोग आयोजक हैं, हम लोग आयोजन में झंडे लगाना, वहाँ सारी व्यवस्था रखना, पानी की व्यवस्था रखना और सबकी सुरक्षा के साथ यात्रा का संपादन कराना, यही हम लोगों की काम है कि सांस्कृतिक अवधारणा हमारी है। हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन थे और कहाँ आज रहे हैं। क्यों जरूरत है? मैं उस जरूरत है इसलिए कि आने वाले जनरेशन को यह लगे कि हम वर्ष प्रतिपदा के हमारी ये नववर्ष है, 1 तारीख 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं है। ठीक है, आज के डेट में सभी काम अंग्रेजी कैलेंडर से होते हैं, लेकिन हमारे जनरेशन को ये याद रहना चाहिए कि हम नववर्ष क्यों मनाते हैं, हमारा नववर्ष कब है। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने हिंदू नववर्ष यात्रा का शुरुआत किया कि आने वाला जनरेशन जाने के नहीं, वर्ष प्रतिपदा आगे तो निकल के कुछ लोग काम करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं। और आपने कहा कि इतनी बड़ी लोग जुटाते हैं, जुटाते नहीं हैं हम लोग, लोग स्वतः आते हैं, स्वतः आते हैं, चूँकि हम लोग आयोजन करता, मैंने कहा हम लोग आयोजन की व्यवस्था रखते हैं। और मैं क्या बताऊँ आपको, इस बार की जो संख्या आपने कहा, कोई कहीं से निकले, कदमा से, सोनारी से, मानगो से, मैं तो कल व्रत ले रहा था सारे पदाधिकारियों से, तमाम जमशेदपुर की जितनी बस्तियां हैं, जितने वार्ड हैं, जितने थाना क्षेत्र हैं, इसके अलावा आदितपुर, सरायकेला, आपके चाईबासा, पुटका, पटमदा, ईचागढ़, ये तमाम जगहों से लोग, कार्यकर्ता, हिंदू स्वभाव वाले लोग, हिंदू क्रांतिकारी वीर जो अपने अंदर मादा रखते हैं, ये सभी लोगों की सूचना है कि हम लोग आ रहे हैं और सभी लोग 3 बजे डिमना आम बागान पहुँचेंगे। हमारी नववर्ष यात्रा होती है, हिंदुओं का कोई पर्व कार्यक्रम होता है तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं
या हिंदुओं की भारत माता की आरती जब आम बगान में होगी तो क्या खतरा मस्जिद को रहेगा या किसी कौम को रहेगा? सबके लिए भारत माँ है, हम तो भारत माँ की वहाँ आरती करेंगे, हम तो किसी को वहाँ उजाड़ने भगाने नहीं जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये यात्रा नहीं किसी धर्म को ठेस पहुँचाने के लिए है, ना ये प्रशासन की चुनौती की यात्रा है। हम राम को जो हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या संप्रदायिक गाना है क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जय श्री राम जय हनुमान करना संप्रदायिक होता है क्या? ये संप्रदायिक नहीं है, ये कुछ नेता लोग इसको बना देते हैं। अगर संप्रदायिक है तो गाना चलेगी और जम के चलेगी या खूब चलेगी और खूब इस पर थिरकेंगे हमारे नौजवान। हम नौजवानों से आग्रह करते हैं, जमशेदपुर के नौजवानों से, कि आप कहीं से भी निकलें, आप अपने घरों से जरूर निकलें, आप किसी भी थाना क्षेत्र से यात्रा निकलती है उसमें शामिल हों। उसमें कोई ग्रुप नहीं है, कोई गुट नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है कि आना है और किसी की महिमा मंडित करना है। नौजवान स्वतंत्र हैं, आप अपने घरों से निकलें, आप किसी भी यात्रा में शामिल हो, मेरा आमंत्रण है आपको मानगो आने का और मानगो से आम बगान चलने का। आप कहीं से भी, चाहे बर्मा मन से निकले, मानगो से निकले, आप कहीं से भी आए, बागबेरा से आए, परसुडी से आए, सुंदर नगर से आए, बिरसा नगर से आए, गोलमुरी से आए या बारीडी से आए, एग्रिको से आए, चाहे कदमा से आए, अरे कहीं ना कहीं से तो लोग निकलेगा ना। इसको ग्रुप में नहीं बांटें, ये ग्रुप नहीं है, ये राम भक्त योद्धाओं की टोली नहीं है, ये सैलाब है। कोई कहीं से भी निकलेगा वो आम बगान आएगा, मानो एक संवेद निकलेगा वो डीमना आएगा। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जमशेदपुर के नौजवानों का कोई नेतृत्व नहीं कर सकता है, जमशेदपुर के नौजवान स्वयं नेतृत्व करता है। इसलिए मैं देखा हूँ बहुत नज़दीक से कि आप निकलेंगे थाना क्षेत्रों से और डीमना जरूर पहुँचेंगे। मैं उनको आमंत्रण देता हूँ, क्रांतिकारी वीरों को, उन राम भक्तों को, उन नौजवानों को, कि अपनी अपनी मोटरसाइकिल का सर्विसिंग करा ले। वो दृश्य देखना मुझे आंखें तरस रही है, वो दृश्य जो देखने को मिलता था, जो मिलता है, जो मिलेगा। आप आए डीमना, आपका दर्शन करने को तैयार है, आप आए भगवान स्नान करें और भारत माँ की आरती करें और अपने अपने घरों को जाएं। अरे भैया डीमना में कितने क्या आप बात कर रहे हैं, संवेदनशील इलाका है तो हम लोग क्या वहाँ दंगा करने जा रहे हैं क्या? हम नववर्ष नहीं मना सकते क्या? आज चर्च में जो नववर्ष बनती है क्या वहाँ पर दंगा होता है क्या? नहीं। और किसी धर्म का कोई यात्रा जुलूस निकलता है तो दंगा हो जाता है क्या? ये तो हमारा नववर्ष मनाने का अधिकार नहीं है क्या? लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सेंसिटिव इलाका है, ये है वहाँ पर? अरे लगता है कि रास्ते में कोई बाघ बैठा है क्या कि हमारे यात्रा को खा जाएगा? ये प्रशासन ने इस मामला को न्यूसेंस बनाता है, ऐसी भाषा का प्रयोग प्रशासन को नहीं करना चाहिए। अरे हिंदू है मुसलमान है करके प्रशासन कराता है, हम लोग किसी हिंदुओं के मन में हिंदू मुसलमान तो नहीं रहता है। अब ऐसा नववर्ष यात्रा हम मना रहे हैं, इसमें कहाँ से किसी कौम की बात आ गई? हाँ, हिंदू नववर्ष यात्रा, इसमें हिंदू शामिल होंगे। हिंदू नववर्ष यात्रा में किसी कौम को शामिल होने की इजाज़त हम नहीं देते हैं। हिंदू शामिल होंगे इसमें, सिख शामिल होंगे इसमें, जो हिंदुओं को विरोधी हैं, जो कहते हैं कि हंस के लिए पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, वैसे लोगों की हमारे यात्रा में ज़रूरत नहीं है, वैसे लोगों की यात्रा में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो हिंदू योद्धाओं की नववर्ष यात्रा है, हिंदू नववर्ष यात्रा, हिंदू योद्धा हमारा पूरा नाचते गाते आनंद के साथ यात्रा मनाएंगे। इसी में किसी प्रकार की कोई वो गुंजाइश नहीं है कि कॉम्युनल है, इसे कॉम्युनल लोग बनाते हैं। अब देखें कई समाज सेवी इसमें मैंने शरबत, फल, जूस, फल सब बांटते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप देखे होंगे आम बगान के मैदान में अपने शहर के समाज सेवी विकास सिंह जी लाखों लोगों को पानी पिलाते हैं, पूरी सब्जी खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं, आज से तो नहीं खिला रहे। और सभी धर्म के लोग जब जाते हैं तो उनको ये मदद करते हैं। और मैं देख रहा हूँ प्रशासन के लोगों से भी आग्रह करूँगा कि सुरक्षा देना आपका काम है, अनुशासन बना के चलना मेरा काम है। आप सुरक्षा सभी को दें, किसी भी थाना क्षेत्रों में कोई गुट नहीं है, सभी राम भक्त निकलेंगे, सभी हमारे हिंदू योद्धा निकलेंगे और सभी डीमना की ओर आएंगे और भारत माँ की आरती आम बागान में करने के बाद अपने अपने घर जाएंगे।
तो आप सुन रहे थे हिंदू नववर्ष यात्रा जो 21 मार्च को निकलने वाली है, शहर के अलग अलग क्षेत्रों से निकलेगी और डिमना से आपको पता ही है कि कई सालों से निकल रही, वहाँ से होकर आमबागा तक सभी लोग पहुँचेंगे और इसमें बहुत कुछ झांकी देखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी। लेकिन यही है कि सब कुछ आग्रह होगा कि जितने भी लोग शामिल हों वो शांतिपूर्ण तरीके से और धर्म के प्रति अपना जो उनकी भावना है भगवान श्री राम और एक को लेकर उस उद्देश्य को लेकर चले, ना कि किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें। तो आप सुन रहे थे ये राम बाबू तिवारी जो डिमना से निकलते हैं और राम बगान में जाकर ख़त्म होता है। आप शाम में ये यात्रा, शाम में निकलती है यात्रा, 3 बजे से शुरुआत होती है और शाम में 8 या 9-10 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कि हालांकि जमशेदपुर ऐसे भी सौहार्दपूर्ण रहने वाला शहर है, हर तरह के यहाँ आयोजन होता है और उतनी ही संख्या में लोग शामिल होते हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड।